ये बांध लेते हैं किसी बाहर उधर भी। फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हुआ मुझे, कल इतना हाय गाइज वेलकम बैक टू आवर लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ आवा। सो आज का ब्लॉग जो है ना बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं बिल्कुल मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है एंड 8:30 भी नहीं हुआ, 8:20 हो रहा है और आज मैं कराने जा रही हूँ मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। एंड गाइज अभी तक मैंने मेरे चैनल पर ये न्यूज़ रिवील नहीं की है बिकॉज ऑफ घर वालों ने भी बोला है कि अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं। देन लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो थोड़ा सा कुछ क्या था, मतलब मुझे कुछ बोला था डॉक्टर ने लाइक थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशंस काइंड ऑफ, तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट की है एंड अभी टच वुड सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो आई थॉट कि ठीक है, जब घर वाले बोल रहे हैं, जब बोलेंगे तब जाके मैं अपने चैनल पर करूँगी। तो आपने देखा होगा बहुत टाइम से तो वीडियो भी नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक आप आई थिंक थोड़ा सा लेट जाएगा ये, ठीक है। मतलब अभी राइट ना हो तो नहीं जाएगा कि मैं आज शूट कर रही हूँ और कल अपलोड हो जाएगा, तो बट मेमोरीज़ हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं आज का पूरा व्लॉग शूट करने वाली हूँ एंड आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, बट थोड़ा सा लेट। आई थिंक आप सब समझते होंगे इस चीज़ को। सो चलो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मुझे किचन में थोड़ा सा कुछ काम है, थोड़ा सा नहीं मुझे खाने का करके रख के जाना है बिकॉज आफ्टरनून का हमारा अपॉइंटमेंट है एंड उसके डॉक्टर से भी कंसल्टेशन है, सो दैट कि 3-4 घंटे लग जाने वाले हैं, तो इसलिए फटाक से मैं कुछ खाने का बना के लेके रख के जाऊँगी। एक दो बार ऐसा हो चुका है क्योंकि बाहर निकलते हो खाने का कुछ भी नहीं होता है और भूख तो लगती है, तो चलो चलते हैं किचन में और बना लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले, राइस और भिंडी ऑलरेडी थोड़ी सी कटी हुई रखी है इसलिए उसको मुझे छौंक के बना के ऐसी थोड़ी सी, ये बहुत थोड़ी सी वो बनाना है एंड दैट्स इट, राइस एंड चपाती। तो चलो क्विकली करते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्पेशल वाला डे व्लॉग। सो आई एम सो हैप्पी सीरियसली। तो पूरे 2 घंटे लगे एंड यहाँ पे मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। सो ये बन के रेडी है छोले एंड भिंडी बहुत थोड़ी सी थी जो कि मुझे बस बना के रखनी थी एंड हेयर इज दाल। सो खाना पूरा बन गया है और अब मुझे आटा भी मैंने डोला के रख दिया है, राइस भी पानी में सोख करके रख दिया। मैं क्विकली शावर लेने जा रही हूँ बिकॉज सो मच ऑफ स्वेटिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, गर्मी तो पूछे मत, और ऑलरेडी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं पूरे टाइम मतलब अंदर घुस के पड़े रहती हूँ, ऐसा हो गया आजकल। सो चलो फटाक से मैं पी रही हूँ मेरा प्रोटीन एक्स मिल्क और इसका बहुत ही गंदा मतलब वनीला हो गया या चॉकलेट हो गया फ्लेवर, देख रही हूँ कौन सा फिट बैठ रहा है, तो अभी इसको पता पीते हैं। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे मखाने, वाटर बॉटल बाहर कुछ मिले ना ले एंड बिस्किट और फाइल, और पहले चीज़ें ले लेती हूँ मैं क्या क्या लेना। तो अभी मैं रेडी हूँ और निकलते हैं हम, फोकस 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 फोकस, दोपहर के बिल्कुल 1 बज रहे हैं, सॉरी 12:30 बज रहे हैं, 12:30 हो रहा है राइट टाइम। चलो चलते हैं। In 500 meters, turn left onto Swami Vivekanand Road. ये बांध लेते हैं क्योंकि बाहर उधर की फ़ोन से बनेगा क्योंकि कैमरा ले जाना नहीं अच्छा भी नहीं ना, कैमरा लेके घूमना गाड़ी में ही रखो ना आपका चश्मा, गाड़ी में अच्छा रखो, मैं मुझे नहीं पता आपने, मैंने दिया था एक बार आपने क्या किया उसका। सो वी है वेटिंग, अरे हम तो इतने अभी सड़क पे लगे होते हैं वहाँ तक आते हैं। बस
बाबरा जहर मिर्च है वाइल्ड वाटर राइट गाइस, सो अभी टाइमिंग हो रही है 8:25 एंड जस्ट नाउ रीच होम। अभी आए हम मॉर्निंग के मतलब आफ्टरनून के गए और अभी आए। सबसे पहले टॉवल मेरे हाथ में, मैं जा रही हूँ शावर लेने क्विकली क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हो कुछ, और बहुत 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 जोरों वाली भूख भी लग रही है। बीच में कुछ पोजिशन नहीं मिल रही थी बेबी की, तो कुछ खाना था तो खा लिए थे हमने। एंड अभी ये सब चेंज करूँगी, फटाक से नहा के आती हूँ, देन उसके बाद खाती हूँ और फिर आपको देती हूँ अपडेट कि क्या हुआ हॉस्पिटल में आज। ओके ओके बताती हूँ फिर अभी आप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल मैं आई थी और रात को बहुत लेट भी हो गया था और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। आज मेरे लेग में अच्छी खासी स्वेलिंग है, मतलब फर्स्ट टाइम इन ऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी भी नहीं हुआ मुझे। कल इतना ज़्यादा एक्साइट हो गई थी दिन भर खड़े खड़े, आप मेरे फेस से भी देख सकते हो, रात भर रेस्टलेस नहीं हो जाते हो बॉडी, एक सेकेंड है लाइक दैट कि अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। कल मैं पता नहीं क्या हुआ था, बहुत थक गई थी बहुत ज़्यादा और धूप बहुत तेज है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लग रही होगी। यहाँ साइड भी पूरा ओपन है एंड मैं बताती हूँ आपको कल क्या हुआ। तो जब तक आप देखोगे तब तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो गई होंगी। आई थॉट कि मैं इसे हार्डली 15 डेज बाद रिवील कर देती, बता देती, बट जो कल हमारे साथ मतलब मैं जो कल हुआ है, जो कल की सारी स्टोरी है, उसके बाद अभी और थोड़ा वेट करते हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सबके साथ होता होगा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। सो गाइस अभी रिपोर्ट्स में एक तो मेरे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो आई थॉट कि मुझे थोड़ी सी कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से होगा, बट अभी बहुत ज़्यादा डाउन थे। कल जो हमने ब्लड टेस्ट, कल मैंने दिख रहा है आपको, बहुत सारे से मेरे ब्लड सैंपल भी गए हैं, देन जब प्लेटलेट डाउन हुए तो और भी बाकी के भी टेस्ट कराने पड़े जो प्रेगनेंसी में नहीं भी होते हैं, वो भी कराने पड़े। एंड जो मेरी रिपोर्ट है वो ओके है, सर्विक्स का कुछ इशू है इसमें, तो वो देखो आप डॉक्टर, कल डॉक्टर से एक मिल लिए, एक और डॉक्टर है जिन्होंने एक और डॉक्टर के बारे में बताया है हमें, उनसे भी हमारा अपॉइंटमेंट है तो वहाँ भी जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ हैप्पी, जो मतलब जितने अच्छे मूड में और जितने उसमें गई थी, तो वो आते टाइम पूरा ऐसे ही हो गया मेरा थोड़ा दिमाग, हम लोग अपसेट हो गए थे कि ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था ये, थोड़ा बहुत आइडिया था बट कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसलिए मैं आपसे मतलब बीच में कोई व्लॉगिंग के टाइम पर कोई बात नहीं की। और मेरा मॉर्निंग 2:30 पे स्टार्ट हुआ था, 1:30 नहीं, 2:30 स्टार्ट हुआ था स्कैन, और 3 बार ब्रेक में हुआ क्योंकि बेबी की पोजीशन ही नहीं मिल रही थी, कभी बैक दिख रहा है, कभी कुछ नहीं दिख रहा है, हार्ट नहीं दिख रहा है प्रॉपर। तो वो भी ऑलमोस्ट मुझे 6:10 तक मेरा चला है, बीच में 2 बार गैप लिया, एक बार मीठा कुछ फ्रूटी खाने गए, एक बार मैंने नूडल्स वगैरह कुछ खाए थे, शायद वो मैंने कैच की मतलब उसकी फिल्मिंग की भी है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि मैं पूरी ब्लैंक हुई थी, फर्स्ट टाइम में ही जाती जब कुछ नहीं होना था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं यार हम व्लॉगिंग तो भूल ही जाते हैं ना फिर अगर कुछ होता है तो, कि हाँ ठीक है मैं वीडियो भी कर रही थी तो कहीं कहीं पर मैंने लिया है। सो गाइज़ ये था रिसेंटली अपडेट। सो अभी मैं और भी ब्रेक ले रही हूँ, अभी मतलब मैं मुझे रेस्ट बोला है, मतलब आप बोल सकते हो बेड रेस्ट काइंड ऑफ है अभी के लिए, जब तक हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तब तक थोड़े एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने हैं, रेस्ट लेना है और कुकिंग वुकिंग में भी इतना ज़्यादा मुझे खड़े नहीं होना है, थोड़ा कम ही होना है, मतलब हार्डली आप जो नेसेसरी चीज़ें, ब्रश करना, फ्रेश होना, खाना पीना, बस होम वॉकिंग, दैट्स इट। तो अभी यही है आज के लिए अपडेट, और जब आप देखोगे तब तक होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए जिससे कि मैं ये वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूं, और दैट्स इट। तो गाइज मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग जब भी मैं शूट करूँगी, बाकी बीच में मैं सेटिंग वीडियोस तो डाल ही रही हूँ जब भी मुझे फील गुड होता है या मुझे मैं बोर हो जाती हूँ, कुछ करने का मन होता है तो रीडिंग के साथ कुछ जो भी मेरी हॉबीज़ में तो सबसे फेवरेट है मेरा यूट्यूब, जो कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलरली चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं यही करूँगी आपके साथ, दूसरे टाइप्स के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे ही बीच में, तब तक के लिए
सो गाइस चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, टेक केयर।